हेलो हाय सलाम सत श्री अकाल नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आज संडे है, सुबह के कुछ 7 बज रहे हैं, हम अपने घर से निकल चुके हैं। वी आर गोइंग टूवर्ड्स पगोड़ा। तो जो जगह है वो 9 बजे खुलेगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर नाश्ता ब्रेक लिया है। यहाँ पर बैठ के हम मैगी और चाय पी रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग जॉगिंग कर रहे हैं, बाइक्स पर आए हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। वेलकम टू ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा, अ मॉन्यूमेंट टू पीस एंड हार्मनी। सो कलरफुल, सो वाइब्रेंट, आई कांट एक्सप्रेस व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ ओवर हियर। इतना पीसफुल लग रहा है ऑलरेडी यहाँ पे एंटर करते ही। सामने आई थिंक ये कोविड का पूरा टेस्ट ये सब चल रहा है, जो थर्मल टेस्ट करते हैं। क्या आपको पता है ये दुनिया का सबसे बड़ा अनसपोर्टेड स्टोन डोम है? यस, इस डोम में एक भी पिलर नहीं है सपोर्ट के लिए। यहाँ पे इनका गिफ्ट स्टोर है, बुक्स मिलती है, गिफ्ट्स मिलते हैं, आप बहुत कुछ लेकर जा सकते हो यहाँ से। और ये रहा इनका इंफॉर्मेशन सेंटर। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं से एंट्री होती है, आप यहाँ से आपको जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे सिक्योरिटी चेक है, जहाँ पे हमें कैमरा ना यूज़ करने के लिए कहा गया है, पर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बहुत ही पीसफुली रिकॉर्ड किया है ताकि मैं आप सबको ये जगह दिखा सकूं। ये कितनी खूबसूरत जगह है, जस्ट लुक एट दिस प्रॉपर्टी। इतनी अच्छी वाइब्रेशन है ना यहाँ पर, इतना पीसफुल फील कर रहा हूँ मैं, आई कांट एक्सप्रेस यू गाइस। Please maintain social distance and wearing of a mask on the face is compulsory. यहाँ पर वॉल्स पर इन्होंने अपने बिलीव्स, अपने कोट्स लगा रखे हुए हैं ताकि लोग उसे रीड करें, उसे समझें, कुछ समझ कर, कुछ सीख कर यहाँ से बाहर जाएं। और चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य है। एंड दिस वन इज नॉर्थ पगोड़ा, विच इज एग्जैक्टली 1/5 द साइज ऑफ द मेन पगोड़ा। कितना खूबसूरत आर्किटेक्ट किया हुआ है इस जगह का, एक एक डिटेलिंग देखकर जो मज़ा आ रहा है ना। चलो अभी हम चलते हैं मेन डोम में, जो यहाँ का दुनिया का सबसे बड़ा डोम है। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस। यहाँ पर एक साथ 8,000 मेडिटेटर्स बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन जो अंदर जो साउंड की जो वाइब्रेशंस होंगी, जो इस डोम में गूंजती होंगी, उसकी क्या फील होती होगी यार। मुझे ये एक्सपीरियंस करना है, पता नहीं यहाँ पे आने के बाद में मुझे, मैं एक्साइटेड हो चुका हूँ कि मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ यहाँ पर किस तरह की फीलिंग है। अनफॉर्चुनेटली आज नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आप देख रहे हो अंदर काम वाम चालू है और इसको ये आई थिंक बहुत और 15-20 दिन लग जाएंगे इसको ठीक होने में। सो होपफुली देखते हैं ये जल्दी ठीक हो जाए और मैं यहाँ पर जाऊँ। सो ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा में स्टे भी है, यहाँ पर आप रह सकते हैं। इनका 10 दिन का कोर्स होता है। इनका खुद का ऐप है जिसका नाम है ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा ऐप, वहाँ पे सारी डिटेल्स मिलेंगी आपको। और यहाँ पर इनके पास नॉर्मल रूम से लेकर लग्जरी रूम्स भी अवेलेबल हैं। सो जो आपको सूट करे आप उस हिसाब से यहाँ पर उनका पैकेज ले सकते हैं। ये है इनका गुरुजी निवास, ब्लू एंड गोल्ड, सो ब्यूटिफुल। ये गोराय बीच में आता है, इतना बड़ा है ये कि आप इसकी एक परिक्रमा करेंगे ना उसी में थक जाएंगे। ऑनेस्टली ये जगह को एक बार अपनी लाइफ में तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। दिस इज़ बेल टावर। म्यांमार में बहुत सारे बिलीव्स हैं, जैसे कि बेल टावर को टाइम टू ईट, टाइम टू स्लीप, टाइम टू रेस्ट की तरह अलार्म क्लॉक की तरह भी यूज़ किया जाता है। म्यांमार में ये भी बिलीफ है कि अगर यहाँ पर कोई भी इंसान आकर एक बार बेल स्ट्राइक करता है तो वो पगोड़ा में वापस ज़रूर आता है।
हम अक्सर अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कभी कभार बीच जाते हैं, कभी माउंटेन्स पे जाते हैं, कभी सनडाउनर देखने जाते हैं। मैं आज इस जगह पर आया हूँ और इस पगोड़ा में आकर मुझे एक अलग सी फीलिंग, एक अलग सी वाइब मिली है, एक अलग सी शांति मिली है। तो मुझे लगता है अगर किसी को भी ऐसे कभी माइंड फ्रेश करना हो, थोड़ा हीलिंग की ज़रूरत हो, थोड़ा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना हो, तो वो यहाँ पर आकर ज़रूर खुद के साथ बैठकर मेडिटेट कर सकता है। फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग कम्स राइट थॉट, फ्रॉम राइट थॉट कम्स राइट स्पीच, फ्रॉम राइट स्पीच कम्स राइट एक्शन, फ्रॉम राइट एक्शन कम्स राइट लाइवलीहुड, फ्रॉम राइट लाइवलीहुड कम्स राइट एफर्ट, फ्रॉम राइट एफर्ट कम्स राइट अवेयरनेस, फ्रॉम राइट अवेयरनेस कम्स राइट कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम राइट कॉन्सेंट्रेशन कम्स राइट विजडम, फ्रॉम राइट विजडम कम्स राइट लिबरेशन। होप यू गाइज लाइक द व्लॉग, प्लीज कमेंट लाइक एंड शेयर। थैंक यू, लव यू गाइज, टेक केयर।